बांदा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण और बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर बांदा पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही। थाना बिसंडा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण किए गए बरामद। अवैध तमंचों का निर्माण करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना बिसंडा के ग्राम हस्तम से की गई गिरफ्तारी। अभियुक्तों द्वारा काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर आसपास के जनपदों में 4 से 5 हजार रुपए की उनकी की जाती थी बिक्री। जनपद में पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के कुशल निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे अभियान में बिसंडा पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। नवभारत समाचार बांदा से नंदराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये बिसंडा में ग्राम हस्तम में एक शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति द्वारा जो है ये अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है और उसकी बिक्री भी की जा रही है। इस सूचना पर जो है हमने छापा मारा, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 4 जो है बने हुए तमंचे, 4 अर्धनिर्मित तमंचे, 1 दोनाली बंदूक, फैक्ट्री बनाने के जो भी उपकरण होते हैं जैसे भट्टी है और इसके अलावा जो ग्राइंडर है, वो सारी चीज़ें इसमें बरामद हुई हैं। और मौके पे बनाते हुए सबसे बड़ी बात है कि पकड़ा गया है। सर, ये अभी तक किसके सह पर अभी तक चल रही थी, कितने मुलजिम अरेस्ट हुए हैं? कितने 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं जिसमें सुनील विश्वकर्मा मेन कारीगर है, बाकी उसके सहयोगी हैं। अब इसमें भी जाँच की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने बेचा है संबंधित।